गाइस, आप सोचते होंगे कि टॉपर स्टूडेंट जो है अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं, और उसके लिए आज हम बात करते हैं AVFO असिस्टेंट ऑफ वेटनरी फील्ड ऑफिसर यानी सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, जिसकी एग्ज़ाम जो है गाइस हाल ही में हुई और जिसका रिजल्ट कुछ दिनों पहले डिक्लेयर हुआ। तो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी AVFO जो ग्रुप 5 यानी पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है, तो इसके बारे में बात करें तो गाइस अभी जिसकी एग्ज़ाम हुई और जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो इसमें से कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए और कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुए, और कुछ स्टूडेंट्स की वेटिंग लगी। तो सबसे ज़्यादा जो गुने होता है जिनकी गाइस वेटिंग लगती है वो भी बिल्कुल कम, यानी 10 से कम अगर वेटिंग लगती है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि इतनी तैयारी करने के बाद भी अगर सिलेक्शन ना हो तो बुरा लगना। तो आज हम देखते हैं कि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं। तो आज बात कर लेते हैं AVFO के बारे में। तो उसकी अगर आप तैयारी करो तो आपका सिलेक्शन कैसे हो, तो सबसे पहले जो गाइस आपने अगर कॉलेज किया हो डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपके सामने जो है एक तो डिग्री वाले स्टूडेंट रहते हैं और एक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट रहते हैं। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो होते हैं गाइस, जो 2 साल के कोर्स करके आते हैं और इन्हें वही पढ़ाया जाता है जो इनके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन जो डिग्री वाले स्टूडेंट होते हैं वो 5 साल का कोर्स करके आते हैं और उन्हें लगभग जो सारे जो एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है, यानी पूरा जो पशुपालन और पशु चिकित्सा का जो पूरी डिटेल है उन्हें दी जाती है। तो जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें वही पढ़ाया जाता है जो उनके AVFO एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो गाइस जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हों, कभी नारा जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट सोचते होंगे कि हम डिग्री वाले स्टूडेंट्स के साथ कैसे कॉम्पिटेट कर पाएंगे, तो ये सोचना गाइस बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप वही पढ़ते हैं जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि AVFO वाले जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए तो वो अपनी पढ़ाई कैसे करते थे। तो सबसे पहले जो गाइस आपने 2 साल अगर डिप्लोमा कोर्स किया है तो आपने 2 साल यानी 4 सेमेस्टर आपके हुए, तो उनमें जो पढ़ाई की होगी और साथ में नोट्स बनाए होंगे, तो वो नोट्स आप संभाल कर रखें और उन्हीं नोट्स से आप पढ़ाई करें। उन्हीं नोट्स से पढ़ाई कैसे करें गाइस, आप अपना एक जो नोट उसमें से क्या है शॉर्ट नोट्स, यानी कोई भी आप अगर टॉपिक पढ़ते हैं तो उनमें से 1 लाइनर क्वेश्चन निकाल कर रखें, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाए यानी एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले जब आप रिविज़न करो तो केवल आप उन्हें ही पढ़ें, उनके अलावा आप कुछ न पढ़ें। क्योंकि अगर इसके अलावा अगर आप नया पढ़ते हो तो आप कंफ्यूज होंगे और जो आपने पिछला पढ़ा हुआ है तो उसमें भी आप भूल जाओगे या फिर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 9 सब्जेक्ट रहे हैं, इसी प्रकार जो अदर सेमेस्टर में भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं, तो आप समय डिवाइड करिए, यानी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर जब आप रिविज़न करने बैठते हो गाइस, जैसे आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ उसके बाद अगर आप पढ़ाई करने बैठते हो तो फर्स्ट सेम को अगर आप देखते हो तो 10 दिन आपको अगर अच्छी तरह पढ़ाई करना है और समय देना है, आपको सिलेक्ट होना हो तो आपको पढ़ाई तो करनी होगी। तो फर्स्ट सेम को आपको गाइस कंप्लीट करने में मान लो कि 10 दिन लगते हैं, तो इसी प्रकार सेकंड सेम को भी 10 दिन लगे। अगर आप बात करें तो आपके 4 सेमेस्टर होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 50 दिन, 50 दिन में आपका जो सिलेबस है जो 75 नंबर का वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले तो जैसे गाइस 10 दिन में आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, यानी फर्स्ट सेम के 9 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, तो कंप्लीट होने में क्या है कि आप जो आपने कॉलेज में पढ़ा तो वो नोट्स पूरे पढ़े और उनके साथ अपने जो शॉर्ट यानी 1 लाइनर नोट्स भी कंप्लीट करें। इसके बाद जैसे 10 दिन आपने फर्स्ट सेम पढ़ा, तो उसके बाद क्या करें कि आप 5 दिन जो हैं उनको रिवाइज कर लें, यानी 5 दिन या 2 दिन में भी आप उन्हें अच्छी तरह रिवाइज कर लें। तो रिवाइज करने में क्या है कि अगर आपने जो 10 दिनों में पढ़ा तो 5 दिनों में रिवाइज करने के बाद क्या आपने भूलने में आप नहीं भूलोगे, तो कई दिनों तक आप उसे नहीं भूलेंगे। इसी प्रकार 15 दिन अगर फर्स्ट सेम को देख लें, सेकंड सेम में इसी प्रकार 15 दिन, 10 दिन आप अपनी तैयारी करें और 5 दिन में आप रिवाइज करें, इसी प्रकार 4 सेम आपका निपट जाएंगे। तो 60 या 70 दिन में आपका जो कोर्स है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद अगर आप गाइस कोई बुक या कोई गाइड अगर परचेस करते हैं तो क्या करें? तो सबसे पहले तो अगर आप अपनी कोई बुक परचेस करते हैं तो दो या तीन बुक से ज़्यादा परचेस न करें, क्योंकि गाइस आपको जो सारा मटेरियल है इन दो या तीन बुक में ही मिल जाएगा, और ज़्यादा अगर आप परचेस करते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा पढ़े और कौन सा ना पढ़े। तो इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपके जो सिलेबस जारी किया है PEB ने, उसे आप अच्छी तरह देख लें कि आपका कौन सा सिलेबस है और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो उसे आप निकाल लें और देख लें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इनमें से पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि आप टेस्ट पेपर कैसे सॉल्व करें। तो अगर गाइस आपको सिलेक्ट होना है तो आपको, अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको तैयार होना होगा। एग्ज़ाम आप घर पर रहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व करना होगा। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे कि आप जैसे कोई टेस्ट पेपर निकाल लिया आपने AVFO का, या पुराने क्वेश्चन पेपर भी गाइस यहाँ पर PEB की साइट पर अवेलेबल है, तो इन पेपरों को आप निकाल करके सॉल्व करिए। यानी एक कुल टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आपके पास एक या डेढ़ घंटे का समय है तो शुरू में आप सेट करिए, यानी फर्स्ट टाइम पर आप डेढ़ घंटा सेट करिए, धीरे धीरे आते आते आप एक घंटे के आसपास लेकर आइए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम में आपका समय बचे और जो आपका क्वेश्चन छूट जाते हैं या आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो उन पर आपको मंथन करने का समय भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस समय के साथ, यानी समय लेकर ही आप तैयारी करें। यानी एक घंटे का पेपर है तो आप अपना समय सेट करिए कि एक घंटे में मुझे ये पेपर सॉल्व करना है। तो एक दिन में अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं, जैसे कि आज एक पेपर सॉल्व किया है, तो निश्चय कर लीजिए कि अगले दो दिन में मुझे एक पेपर और सेट करना है, और उसका समय भी आप पहले से तय कर लीजिए कि अभी हमने सेट करना है और कौन सी तारीख पर इसे सॉल्व करना है और कौन से समय पर सॉल्व करना है। दो दिन पहले आप इसकी तैयारी पर लग जाए कि हमें ये पढ़ना है या वो पढ़ना है, तो आपकी क्या गाइस उस सब्जेक्ट यानी उस टॉपिक पर अच्छी पकड़ बन जाएगी। और अगर आप सॉल्व करते हैं तो सेमेस्टर वाइज आप पेपर सॉल्व करिए, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट देख लीजिए कि इस सेमेस्टर में का पेपर हमें सॉल्व करना है आज, तो किसी आपके सीनियर जो हैं उनसे आप पेपर बनवाइए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो अगर वो पेपर बना देते हैं अगर फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट में से, तो 100 नंबर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल जाते हैं उसमें से, इसी प्रकार जो फर्स्ट सेम की से अगर फॉलो करते हैं तो इसी प्रकार चारों सेमेस्टर के आप फॉलो करिए। फर्स्ट सेम के अगर गाइस अगर 5 टेस्ट पेपर भी आप फॉलो कर लेते हैं, यानी टोटल जो 20 पेपर आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार क्या है गाइस, आप अलग अलग सब्जेक्ट के भी पेपर फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है तैयारी अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए। तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक कि टॉपर पढ़ाई कैसे करते हैं और आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगली बार सिलेक्ट ज़रूर होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। और हाँ, आपको गाइस कुछ दिनों बाद AVFO की जो नई एग्ज़ाम यानी अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, जहाँ पर आपको जो नोट्स हैं फ्री में दिए जाएंगे और साथ ही में कुछ क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन के सेट भी दिए जाएंगे, ताकि आप उन क्वेश्चन सेट्स को वहाँ पर सॉल्व कर सकें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक धन्यवाद। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नई अपडेट के लिए, तब तक धन्यवाद।